झूठी सरकार है, बार बार झूठ बोलते हैं। मोदी जी ने बढ़िया झूठ वाला है, बहुत बड़ा झूठ। सरकार बहुत मजबूत है, बिल वापस नहीं लेगी, क्या लगता है? अरे नहीं लेंगे तो मोदी जी पार्लियामेंट में बैठ सकता है क्या? 70% अब वोट हमारा हाथ में है, आधा घंटे में बात छोड़ सकता है, वो हमारा है, हमारा हाथ में है, ऐसा नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां की कर्नाटक से किसानों का संगठन आया हुआ है, जो कि इस आंदोलन को और मजबूती देने का काम करने वाला है। कल किसान जो है वो संसद मार्च करने वाले हैं, उस संसद मार्च से सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव है और साथ ही अब इनका समर्थन इस आंदोलन को और मजबूती दे सकता है। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका समर्थन किसानों के साथ ये क्या करने वाले हैं, इनकी क्या योजना है, और अगर सरकार इनकी बातें नहीं मानती तो आगे इसका रुख क्या हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, पिछले 8 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, आगे कब तक चलने वाला है, क्या कुछ इसका नतीजा आपके समझ में आता है? ये सरकार के ऊपर निर्भर है, अगर सरकार चाहती है तो कल ही हम ख़त्म कर सकते हैं, अगर सरकार चाहती है तो अगर वो हमारी मांगे पूरी कर देगी और इस 3 बिलों को वापस ले लेगी, 3 कानूनों को वापस ले लेगी, और हमारी जो MSP का मांग है MSP को गारंटी कर देगी और एक कानून बना देगी, हम खली जाने के लिए तैयार हैं। नहीं, पहले शुरुआत में हमने देखा कि इसकी जो वार्ता हो रही थी सरकार और किसानों के बीच में वो लगातार चल रही थी, लेकिन 11 दौर की वार्ताएं हुई जिनमें कोई नतीजा नहीं निकला, और उसके बाद ये जो वार्ता हो रही थी वो भी थम गई, उसको भी रोक दिया गया। संसद के बाहर अगर किसान जा रहे हैं तो क्या दबाव पड़ेगा? हाँ दबाव पड़ेगा, क्यों नहीं, हमारा हक है। हाँ किसान लोग सारे भारत में 70% फार्मर्स है, फार्मर से हक है, हमारा भूमि और ज्ञान और सीड पूरा खींच रहे हैं ना, ये बंद होना चाहिए। हाँ वही है, ये सरकार के तरफ नहीं निभाता है, वो पीपल्स गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट जो है पीपल्स गवर्नमेंट है, नॉट कंपनी गवर्नमेंट है। पूछना पड़ेगा किससे, पूछ के। हमने आज सुग्रीव आज्ञा से 3 फार्मर्स विरोधी एक्ट में बनाया, पार्लियामेंट में रखा नहीं, क्यों रखा नहीं, ये हम पूछ रहे हैं। पार्लियामेंट में रखो, बात करने दो, बाद में हर राइट या नेगेटिव हम बात करेंगे, वो पूरा छोड़ के सुग्रीव आज्ञा से कानून लागू किया तो ये डेमोक्रेसी है क्या? शुरुआत में इस आंदोलन में कहा गया था कि कुछ गिने चुने स्टेट्स का, कुछ गिने चुने लोगों का आंदोलन है ये, लेकिन अब जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता गया, इसमें बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे अलग अलग किसान जो नेता हैं उनके समूह हैं वो जुड़ते गए, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? नहीं, ये सारे भारत का है किसान, ये लड़ाई जो इधर चल रही है केवल हरियाणा पंजाब का नहीं है, सारा भारत किसान का संबंध है, जोड़ता रहता है। हम किसान कर्नाटक से आए हैं, आंध्र से आता है, महाराष्ट्र से आता है, तमिलनाडु आता है और आंध्र से आता है, हम जोड़ता रहेंगे कब तक गवर्नमेंट कानून ने वापस नहीं तो हम वहां तक लड़ा जाएंगे। अच्छा सर मोदी जी बोल रहे हैं बिल बहुत अच्छा है करके। हाँ अरे वही बात मैं पूछ रहा हूँ ना, मोदी जी ने पार्लियामेंट में बताओ कितना अच्छा है वो बिल, दिखाओ आपने,
आप सिर्फ बात में नहीं होता है, कानून में दिखाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में दिखाना पड़ेगा। अरे आप अच्छा है तो अच्छा नहीं होता, दिखाना पड़ता है। क्यों दिखता नहीं, क्यों दिखाना पड़ता है, क्यों पार्लियामेंट ने नहीं रखा? अच्छा है तो पहले बिल बना के पार्लियामेंट में रखना चाहिए था, नहीं रखा। सुग्रीव आज्ञा से बनाया, क्यों बनाया? इसलिए हम लड़ाई जा रहता है। हमने और एक बार बोलता है मोदी जी को, आपका जो आप कर रहा है फार्मर्स में नेगेटिव कर रहा है, ये अच्छा नहीं है। आप मोदी जी, मैं बोलता हूँ, आप क्या बोलता है? भारत माता की जय। अरे भारत माता कहाँ है? खेती है हमारा माँ। भारत माता भारत भूमि ने भेज रही है ना, भारत माता कहाँ है? कहाँ है बा माता? हमारे खेती है ना, वह माता भी बेच रहे हैं, सिर्फ भाई बहुत बात में बोल रहे हैं भारत माता की जय। ये नहीं है, ये भारत माता में के चल रही नहीं, भारत में नहीं चलेगा। हाँ हम दिखाएंगे। अच्छा, सरकार बहुत मजबूत है, बिल वापस नहीं लेगी, क्या लगता है? अरे नहीं लेगे तो मोदी जी पार्लियामेंट में बैठ सकता है क्या? 74% अब वोट हमारा हाथ में है, आधा घंटे में बाहर छोड़ सकता है, वो हमारा है, हमारा हाथ में है। ऐसा नहीं चलेगा। तो अभी जिन स्टेट्स में इलेक्शन है वहाँ पे क्या होगा, आपको क्या लगता है? अरे किसान तो डिसाइड करेगा, हमारा पूरा बर्बाद हो गया ना, विलेज इंडस्ट्री पूरा बर्बाद हो गया, खेती बर्बाद हो गया, कर्जा में बहुत तकलीफ है फार्मर्स, वो पूरा फार्मर्स ने नेगेटिव वोट डालता है। देख के पश्चिम बंगाल क्या होगा, क्या होगा पश्चिम बंगाल? ऐसे केरल में क्या होगा, देख लो कर्नाटक में क्या होता है, बाद में देखो उत्तर प्रदेश में क्या होता है, देखेंगे। हाँ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में वोट से पहले हम बोलता है, नहीं सुने तो क्या करेंगे, वोट में बदल सकता है। किसान अच्छा है, दिमाग में अच्छा, मतलब आप लोग अभी बोल रहे हैं नौजवान, इनको सभी मालूम है क्या करेगी, उन्हें खट करेगी। चले मोदी जी, किसान मजदूर हाँ, आप लोग बातों से मना रहे हैं, नहीं माने तो इलेक्शन में उनको बताएंगे फिर। हाँ वही लड़ाई, वही युद्ध, युद्ध समर होता है ना। अरे हम बात में सुनता है, रिक्वेस्ट करता है पार्लियामेंट पे, बात हमें बुला के बात किया है, नहीं सुना तो हम क्या करता है? हाँ आओ बजा रहा हो पार्लियामेंट इलेक्शन में, दिखाएगी किसान का महल क्या है। बिल वापस नहीं लेंगे तो आप लोग क्या करेंगे फिर? उनको बिल वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस ये आंदोलन पूरा भारत फैल रहा है, और बीच में कोविड आ गया था, नहीं तो अभी साउथ में भी हो रहा है, अगले महीने में तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखे हैं, और ऐसे पूरे भारत में जब किसान और मजदूर आदिवासी सब जुड़ जाएंगे तो ये सरकार की घमंड टूटना ही पड़ेगी। अच्छा, गवर्नमेंट में आपने कल देखा होगा पार्लियामेंट में एक और बात कही गई थी कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक भी मौत नहीं हुई, कितना झूठ, झूठी सरकार है, बार बार झूठ बोलते हैं मोदी जी ने, बढ़िया झूठ वाला है, बहुत बड़ा झूठ। हाँ इसके विषय में झूठ नहीं बोलना, आदमी नहीं मिलेगा। एक्चुअली सच किए हैं, सच बोले हैं, ऑक्सीजन के वजह से वहाँ पे नहीं मरे हैं, सरकार ने उन सब लोगों को कत्ल किया है, ये एक्चुअली सरकार ने सच बोला है। तो ये आप मानती हैं कि सरकार ने ऑक्सीजन की कमी की जो अपनी गलती है उनको फेलियर को एक्सेप्ट किया एक तरह से, उनके कहने का मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि हाँ हाँ ऑक्सीजन कमी नहीं थी वहाँ पे, हॉस्पिटल से नहीं मरे हैं पर हम लोगों ने कत्ल किए हैं।